तो भाई इस लास्ट ऑप्शन में आपको मिल जाता है भाई मोड्स, मोड्स देख लो भाई, आपको कई सारे मोड्स मिल जाए, जैसे कि आपको दिख रहा है मोड वन, मोड टू, मोड थ्री, तो सारे भाई अलग अलग वर्क करते हैं। एक बार मैं आप दिखा देता हूँ, तो देखो भाई मोड फाइव जैसे कि अपना ये अलग वर्क कर रहा है और मोड सिक्स अपना अलग वर्क करता है, तो सबके अलग अलग वर्क हैं। और बाकी नीचे फुटलाइट भी है भाई, फुटलाइट में भाई टोटली भाई जिस एरिया में भाई देख सकते हो भाई रिफ्लेक्टर का वर्क स्टार्ट हो गया है। रिफ्लेक्टर देख लो भाई अपने जो भी है डाउन साइड फॉल करते हैं, जब इसको इंडिकेट करेंगे ना तो भाई नीचे की तरफ फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये अपने नहीं रेट वगैरह भैया को भी पता था कि मैं बाकी जगह पता खेले खिलाए खिला ले है ना, सबको पता ही था, तो उन्होंने मेरे को रेट वगैरह बेस्ट दिए, मेरे को ज्यादा उस बारे में बात करनी नहीं पड़ी। तो मतलब आपको घूमना नहीं पड़ा ज्यादा आपका। तो भाई वेलकम अगेन, उसी सेम डे की एक वीडियो और है। देखो जैसे कि हमारे सामने अभी हमारी खड़ी है शेवरलेट की क्रूज, और उसके बाद आई है हमारे पास ब्लैक रंग की ब्रेजा। तो ब्रेजा में भाई देखो कुछ कम नहीं हुआ है, जैसे कि हमारा डिस्प्ले हो गया और सीट कवर्स हो गया और मैट हो गया, बस ये दो छोटी मोटी दो तीन चीज़ें हमने मतलब भैया ने अवॉइड करी है, ये नहीं लगवाई है। और इसके अलावा देखो भाई बाकी सारा काम हुआ है इसमें, जैसे कि दिखा मैं आपको बता दूं एक बार, पहले तो हो गया हमारा आर्मरेस्ट के बाद हो गया USB और हमारी फॉग लाइट होगी। भाई देखो फॉग लाइट हमारी जो कि पूरी यहाँ पे चेंज हो जाएगी फॉग लाइट, भाई देखो जैसे कि अपना आगे का एरिया जो है चेंज हो जाएगा फॉग लाइट में, जो कि ठीक है अभी दिखा दूंगा जैसे चेंज होगी। और उसके बाद हमारी इसमें लगनी है और मड फ्लैप लगे थे छोटे मोटे जो चीज़ें, मड फ्लैप हमारा लगना था और एम्बिएंट लाइट हो गई। और एक बार आर्मरेस्ट आपको दिखा दूँ, आर्मरेस्ट जो कि हमारा लग चुका है। तो भाई जैसे कि एक बार मैं आपको दिखा दूँ इसमें जो आर्मरेस्ट लगना था वो लग चुका है प्रॉपर। देखो भाई जो ओरिजिनल आता है सुजुकी की तरफ से सेम वही आर्मरेस्ट है भाई, देखो प्रॉपर ओरिजिनल वाला है सेम और वही फिटिंग है, सुजुकी की ब्रांडिंग के साथ आता है हमारे पास भाई, प्रॉपर वो लग चुका है। और इसके बाद भाई इसमें एम्बिएंट लाइट लगनी थी, एम्बिएंट लाइट का भी देखो काम लगभग लगभग हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि भाई देख सकते हो इसकी स्ट्रिप्स आपको दिख रही होंगी। एक बार मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई स्ट्रिप्स आपको वाइट कलर से अलग ही मतलब दिख गई होंगी। और बाकी एम्बिएंट लाइट का भी वर्क लगभग लगभग हो चुका है कंप्लीट, बाकी इसके जो डोर्स है डोर्स में अभी वर्क चल रहा है एम्बिएंट लाइट का। भाई देखो जैसे कि स्ट्रिप्स है अभी यहाँ से कटिंग हो गई, मतलब ये प्रॉपर हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद भाई के यहाँ पे काम कर रहे हैं रिफ्लेक्टर का, पीछे के लिए भाई जैसे देख सकते हो भाई रिफ्लेक्टर का वर्क स्टार्ट हो गया है। रिफ्लेक्टर देख लो भाई अपने जो भी है डाउन साइड फॉल करते हैं, जब इसको इंडिकेट करेंगे ना तो भाई नीचे की तरफ फॉल करेंगे, ठीक है। तो ये अपने रिफ्लेक्टर है, बाकी जो बेस मॉडल होते हैं भाई कंपनी जो बेस मॉडल में भाई ओनली एक डमी जो पीस देती है, मतलब ये तो यहाँ पे लग चुका है, ओनली यहाँ पे सिंगल एक पीस देती है जो कि जब लाइट इस पे पड़ती है उसके बाद मतलब वो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ चेंज कर दी है, इसको पूरा हटा के यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा दिए गए हैं जो कि प्रॉपर लाइट वाले LED वाले हमारे रिफ्लेक्टर हैं। तो अभी लग रहे हैं, अभी लगने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वर्क करेंगे। बाकी एम्बिएंट लाइट का भी वर्क देखो लगभग लगभग हो चुका है कंप्लीट, है ना भैया। कितने डोर से सारे हो चुके हैं, लास्ट सब हो गया भाई, लास्ट वाला हमारा मतलब एक डोर बचा है, उसके बाद सारा मतलब एम्बिएंट का जो वर्क है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी दो चार चीज़ें और हैं, बाकी एक एक करके दिखाता हूँ, जो भी रह जाएगा वो एंड में दिखा देंगे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सारा कवर करके दिखा दूंगा। तो भाई बैक पर जो अपना काम था जो रिफ्लेक्टर लग रहे थे वो हो चुका है कंप्लीट। और उसके बाद भाई देखो आगे की तरफ जो हमारी फॉग लाइट लग रही है उसके लिए देखो भाई प्रॉपर वायरिंग, वायरिंग देख लो भाई कितनी बड़ी है, प्रॉपर ये वायरिंग है भाई हमारे उसके लिए, ठीक है। तो फॉग लाइट का भाई, तो भाई फॉग लाइट की भाई देखो प्रॉपर वायरिंग है ताकि काम जितना भी हो सारा कपलर टू कपलर हो, ठीक है। तो ये अपना स्पेस देख लो भाई, इतना स्पेस खाली है और ओरिजिनल जो कंपनी से लग के आ रही है टॉप मॉडल में सेम वही वाली यहाँ पे हमारी फॉग लाइट लग रही है। तो फॉग लाइट का काम देखो अभी स्टार्ट होगा तो मैं दिखा दूंगा, बाकी आपने वायरिंग तो देख ली भाई पूरा कपलर टू कपलर वाला काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की कोई वारंटी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो बस यही हो रहा है अभी, इसके बाद देखते हैं इसके बाद अपनी नेक्स्ट चीज़ कौन सी होने वाली है तो आपको वो दिखाते हैं फिर। तो भाई हमारी ब्लैक ब्रेजा का काम हो चुका है कंप्लीट, इसमें इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं था लेकिन जितना भी था सारा मैं दिखाता हूँ एक बार अभी की करके आपको स्टार्टिंग से। तो इसमें सबसे पहले आउटर की तरफ आता हूँ और आउटर की तरफ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे क्या चेंजेस आए हैं। तो भाई जैसे कि देख सकते हो ये ग्रिल होगी, ये फॉग लाइट ग्रिल है, ये पूरा का पूरा एरिया चेंज हुआ, ये देखो भाई ये इसको बोलते हैं फॉग लाइट ग्रिल, तो ये पूरा एरिया चेंज हुआ, ठीक है। और साथ में इसमें नई फॉग लाइट इंस्टॉल हुई है प्लस 160 वॉट का केप का LED बल्ब भी, ठीक है। तो टोटल फॉग लाइट प्लस हमारा जो LED बल्ब है दोनों के दोनों इंस्टॉल हुए हैं, बाकी अभी इनकी रोशनी भी चेक करा दूंगा मैं आपको। और आउटर की साइड और लेके चलते हैं, आउटर की साइड में आपको दिखा दूँ जैसे कि साइड विजन में इसकी साइड प्रोफाइल में, तो इसमें वर्क हुआ भाई डोर वाइजर का, डोर वाइजर देख लो हमारे जो है क्रोम वाले होने वाले, जो कि भाई हमारा ये सिल्वर देख रहे हो सिल्वर टच आता है इसको बोलते हैं भाई क्रोम, तो डोर वाइजर लगे हैं और बाहर की तरफ में और पीछे की तरफ में आते हैं बैक प्रोफाइल की तरफ। तो भाई जैसे कि हम आ गए हैं बैक के पोर्शन की तरफ, बैक के पोर्शन की तरफ एक बार मैं आपको दिखा दूं क्या चेंजेस आए हैं, कुछ ज्यादा मेजर चेंज नहीं था, बहुत छोटा चेंज है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। तो ये देखो भाई ये पूरा का पूरा एरिया चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे जो बेस मॉडल्स आते हैं कंपनी भाई वहाँ पे क्या देती है देखो ये चीज देती है, ये तो भाई बस वही चीज है जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ही रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी ये वाले जो रिफ्लेक्टर होते हैं भाई इलेक्ट्रिकल होते हैं, ये LED वाले होते हैं, ठीक है। जब इसको अगर इंडिकेट करेंगे हम इधर की तरफ तो इधर की तरफ ब्लिंक करेगा, अभी इसकी भी टेस्टिंग करेंगे और आपको दिखाते हैं और मतलब क्या किस तरीके से वर्क करता है हमारा जो रिफ्लेक्टर है।
और इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ और देखते हैं अंदर की तरफ में क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो फाइनली भाई देखो गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी के अंदर जो मेजर चेंज आया वो है भाई हमारी एम्बिएंट लाइट। तो भाई देख लो जैसे कि आपके सामने, और एम्बिएंट लाइट का भाई इसमें और अच्छा फायदा भाई पता है क्या है, ये हमारी है K4 वाली, ठीक है। तो इसमें फायदा आपको पता क्या मिल जाता है कि आपके कलर मतलब आप सारा जो भी कंट्रोल आपके हाथ में होता है एम्बिएंट लाइट का सारा टोटली जितना भी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इसके कलर चेंज करके दिखाता हूं। इसके मोड्स हैं देखो, आप यहां से ब्राइटनेस कम भी कर सकते हो, ब्राइटनेस ज्यादा भी कर सकते हो। बाकी कलर चेंज करने के लिए आपके पास यहां पे ऑप्शन है और पूरी कलर पैलेट्स की एक प्लेट है, पूरा एक सर्कल है जहां पे आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे क्योंकि इसमें 64 कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो एक बार देख लो भाई मैं यहां से चेंज करूंगा और पूरा टोटली सारा यहां से कंट्रोल है, देख लो, ठीक है। तो भाई एक बार मैं आपको दोबारा एक बार दिखाता हूँ कि कलर पैलेट्स इसके वर्क कैसे करते हैं। तो देखो भाई आपके हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल है, पूरा ऐप के थ्रू हमारा जो एम्बिएंट लाइट का जो जितना भी कंट्रोल है सारा ऐप के थ्रू जाता है, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, अगर मान लो उसको कलर चेंज करना है आपको, तो यहाँ पे अगर रेड दिख रहा तो आप यहाँ से रेड कर दोगे तो पूरी गाड़ी का इंटीरियर रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फायदा होता है और इसमें आपको कई मोड्स मिल जाते हैं, एक बार मैं आपको मोड्स दिखाता हूँ। तो भाई इस लास्ट ऑप्शन में आपको मिल जाता है भाई मोड्स, मोड्स देख लो भाई आपको कई सारे मोड्स मिल जाए जैसे कि आपको दिख रहा है मोड 1, मोड 2, मोड 3, तो सारे भाई अलग अलग वर्क करते हैं। एक बार मैं आप दिखा देता हूँ, तो देखो भाई मोड 5 जैसे कि अपना ये अलग वर्क कर रहा है और मोड 6 अपना अलग वर्क करता है, तो सबके अलग अलग वर्क हैं। और बाकी नीचे फुट लाइट भी है भाई, फुट लाइट में भाई टोटली भाई जिस हिसाब से हमारी एम्बिएंट लाइट चलेगी उस हिसाब से हमारी फुट लाइट चलेगी। एक बार सारे मोड्स दिखा देता हूँ मैं, देखो मोड 10 भाई हमारा, मोड 11 कुछ अलग है, तो सब में कुछ ना कुछ छोटा मोटा सब में हर मतलब अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें सारी की सारी आपके सामने है। बाकी इसमें एक सिस्टम आपको मिल जाता है भाई, टोटल ये मिल जाते हैं भाई 1 से लेके 255 यानी 255 मोड्स। तो टोटली भाई एक बार मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, तो आपको हमारे इस K4 वाली एम्बिएंट लाइट के साथ मिल जाते हैं 1 से लेके 255 मोड, यानी 255 मोड भाई बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 255 मोड। मुझे लगता नहीं कि आप यूज़ भी कर पाओगे 255 मोड। तो देखो जैसे कि एक बार मैं दिखा दूँ आपको लग रहा हो कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, तो ये चीज़ देखो भाई मोड 1 और मोड 255, ये देखो भाई टोटल 255 मोड है यहाँ पे और सबके अपने अलग अलग वर्ग हैं। और आपको इसके साथ एक चीज़ और मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पे म्यूजिक चूज करेंगे तो म्यूजिक के हिसाब से भी अपने जो लाइट्स हैं उस हिसाब से कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चेंज था अंदर की तरफ जितना भी था एम्बिएंट लाइट का, तो ये भी हो चुका है खत्म। और बाहर चल के देखते हैं अगर कुछ रह रहा होगा तो उसके बारे में बता देंगे, नहीं तो वीडियो करते हैं फिनिश। और भाई बाहर की तरफ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो लगी है, एक बार जैसे कि आपको मैं क्लोज से दिखा दूँ, तो अपना भाई ये हो गया मड फ्लैप जो कि मतलब गाड़ियों गंदा होने से बचाता, मतलब इतना नहीं बचाता लेकिन थोड़ा बहुत तो बचाता ही है। और एक बार दोबारा अंदर चल के दिखाता हूँ आपको इसमें एक मेजर चेंज, तो जो कि है भाई अपना आर्म रेस्ट इसमें भाई टोटल ओरिजिनल लगा है भाई सुजुकी का। एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये देखो भाई गाड़ी के दोबारा अंदर आ चुके हैं। तो ये चेक करो भाई, ये लगा हमारा आमरे सुजुकी का ओरिजिनल, बिल्कुल जो मतलब टॉप मॉडल्स में लग के आता है, तो वही सेम चीज़ है भाई हमारे पास सुजुकी से सीधा मतलब हमारे पास माल आता है, तो टोटल वही चीज़ है। एक बार मैं आपको इसका स्पेस दिखा दूँ, स्पेस देखो भाई स्पेस भी अच्छा खासा स्पेस है। और बाकी देखो भाई जो चीज़ टॉप मॉडल वाली है सो है, और आपको इसमें भाई ये चीज़ और अच्छी मिल जाती है, आप अपने मतलब हाथ को एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे इसको मतलब आगे भी करके पीछे भी करके, तो टोटली भाई सारा काम हो चुका है। बाकी जो कुछ बचा काम रह रहा है वो भैया ने बोला कि कुछ टाइम बाद आगे कराएंगे, फिलहाल क्योंकि अभी भैया फ्री नहीं थे, तो अभी इनको जितना छोटा मोटा मतलब जो माइनर काम था उन्होंने वो करा लिया है, बाकी भैया ने बोला जब वो फ्री हो जाएंगे तो वो काम सारा आगे कराएंगे, ठीक है। तो फाइनली भाई जैसे कि आ चुके हम बाहर, और बाहर की तरफ मैं दिखाता हूँ क्या चेंज आया है। तो एक बार चलते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ, और जैसा कि भाई देख सकते हो वाइट चमचमाती लाइट, तो ये जो हमारी भाई इसमें लगी है दो लाइट, हमारी जो फॉग लाइट है और उसके अंदर फॉग लाइट के अंदर हमने इंस्टॉल करा है 160 वॉट का केव का एलईडी बल्ब। तो एक बार आप खुद ही रोशनी चेक कर लो भाई, थ्रो चेक कर लो एक बार, बाकी एक बार मैं एक बार अभी आपको भाई डिपर देकर दिखाता हूँ तो कितना फर्क, ये देखो भाई ये चीज़ चेक करो, तो टोटल कुछ इस तरीके से रोशनी आने वाली है। और दिखाता हूँ और जो चेंजेस आए इसमें आपको, पीछे का मैंने रिफ्लेक्टर अभी चेक नहीं कराया, तो एक बार रिफ्लेक्टर चेक कराता हूँ आपको। तो ये देखो भाई ये कर दिया हमने रिफ्लेक्टर ऑन, तो आगे की तरफ में रिफ्लेक्टर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो जो चेंजेस है भाई पीछे की तरफ है, एक बार दोबारा पीछे की तरफ चलते हैं और एक बार दिखाता हूँ रिफ्लेक्टर में क्या चेंज आया था। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था तो वैसे ही भाई देख लो सामने की तरफ ये इधर की तरफ फॉल कर रहे हैं, अगर जो राइट साइड का इंडिकेटर देंगे तो राइट साइड की तरफ फॉल करेंगे और जो लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है तो ये लेफ्ट साइड की तरफ फॉल करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंडिकेटर में जितना का मतलब रिफ्लेक्टर का जो काम था वो हो चुका है कंप्लीट, और अंदर का भी जितना काम था टोटली हो चुका है कंप्लीट, और जितना भी काम था मतलब ब्रेजा में टोटली हो चुका है कम्प्लीट। लास्ट में बजट के लिए भाई कमेंट कर देना, बजट के लिए सीधा सीधा कमेंट कर देना, सीधा सीधा बता दूंगा कमेंट में, कोई नंबर वाली इन्फॉर्मेशन वाली कोई बात नहीं, सीधा का मतलब बजट सारा बता दूंगा, ठीक है। सो फाइनली अपनी ब्रेजा का जितना भी काम है टोटली हो चुका है कम्प्लीट, जितना था मैंने दिखा दिया, और साथ में हमारे यहाँ है भैया। तो भैया सबसे पहले तो क्या हाल चाल? बढ़िया जी एकदम, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भैया सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए हमारे व्यूअरों को। मेरा नाम युवराज है। तो युवराज भैया कहाँ से आए थे?
मैं पीतमपुरा से। तो युवराज भैया पीतमपुरा से आज यहाँ पर आए हैं, क्या काम, मतलब ऐसे घूमने आए थे फिर खाली काम कराने आए थे करोल बाग? नहीं, मैं आया तो सिर्फ था कि एक बार देखूं क्या क्या है, क्या क्या काम है पता करने, थोड़ा बहुत आइडिया लिया था मैंने भी वीडियोस वगैरह देख के, मतलब और भी वीडियोस देखी थी। हाँ। तो कहाँ की तरफ जा रहे थे और कहाँ की तरफ गाड़ी मिल गई? जा तो रहा था मार्केट के अंदर, थोड़ा देखना कॉम्पिटिशन वगैरह काफी है। ठीक है, तो भैया ने मेरे को बोला कि बेस्ट काम और रेट भी बेस्ट करके देंगे, एक बार आप हमारे पास करवा के देखो। ठीक है, तो नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देना। तो ठीक है, तो जो प्राइस थे तो नेगोशिएट करे या नहीं करे भैया ने? नहीं, रेट वगैरह भैया को भी पता था कि मैं बाकी जगह मतलब खेले खिलाए खिलाए है ना, सबको पता ही था, तो उन्होंने मेरे को रेट वगैरह बेस्ट दिए, मेरे को ज्यादा उस बारे में बात करनी नहीं पड़ी। तो मतलब आपको घूमना नहीं पड़ा ज्यादा, आपका मतलब काम टाइम भी बच गया और काम। भैया ने बोला था कि आप रुको तो सही, एक बार देखो बात करो, रेट आपको बेच दूंगा, काम भी बेच दूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को दुकान से निकलना पड़ा, बढ़िया काम। तो मतलब हो गया, मतलब आप जिस बजट में सोच के आए थे उस बजट में काम हो गया। हाँ, जिस बजट तक मैं प्लान करा था उसके अंदर अंदर हो गया। तो फिर बाकी का जो काम है सीट कवर्स का, फिर आप कब आ रहे हैं उसके लिए? सीट कवर वगैरह अभी तो ऐसे अभी तो कुछ दिन चलाने, मतलब ऐसी कंपनी वाला फील लेना है ना, कंपनी वाला यूज कर ले उसके बाद फिर सीट कवर कभी बंदा उतारता तो है नहीं, इसी को यूज करो फिर लगवाएंगे, फिर लगवाएंगे। तो ये चीज अच्छी, चलो बेटर है। तो फिर क्या सजेस्ट करना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को, अपने फैमिली वाले लोगों को या फिर अपने फ्रेंड्स को, क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो, अगर ये आप तो काम करवाना चाहोगे तो यहाँ पे देखो, बाकी दुकानों पे ना आपको लोग बहुत सजेस्ट करेंगे, मार्जिन वगैरह की भी बात है, पर यहाँ पे देखो कमाने हर कोई बैठा है, पर ये लोग आपको बढ़िया चीज सजेस्ट करेंगे कि आप दो पैसे हमारे भी बचे और दो आपके बचे, है ना। तो आपको क्वालिटी वाली चीज भी बोलेंगे, बोलेंगे इतना ये लगवा लो बेटर है, तो नो डाउट वो उनका चॉइस वगैरह बढ़िया है। बाकी आप अगर अपनी खुद की नॉलेज लेके आओगे तो वो ज्यादा बेटर है ना। हाँ, ताकि आपको आइडिया भी रहेगा, स्टडी करके आओ तो थोड़ा बेटर रहता है, आपको भी नॉलेज रहती है, तो काम करवाओ तो थोड़ा बढ़िया, तो ज्यादा बेटर रहता है ना। तो थैंक यू सो मच भैया, आई होप आप दोबारा जल्दी आए सीट कवर्स के लिए और बाकी काम के लिए। बिल्कुल, थोड़ा एक आधी चीज पेंडिंग रहेगी, बस भैया से बात हो गई है, दोबारा आएंगे और एक दोस्त और है जिसने लेनी है तो उसको भी साथ लेके आएंगे। अरे भैया मोस्ट वेलकम हमेशा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, हैव अ सेफ जर्नी, आप घर जा रहे हो ध्यान से जाना, गुड नाइट। और दोस्तों बताना जरूर कमेंट्स में कि काली ब्रेजा कैसी लगी। हाँ भाई, सबसे मेन चीज है भाई, भैया के भाई बड़ी मुश्किल से भैया को मिली, बड़े दिनों बाद मिली हमारी काली ब्रेजा, मैंने दिखा दिया था आपको शुरुआत में, तो कमेंट्स में बताना भाई सबसे पहले, है ना भैया। तो सबसे पहला लाइक आपका होना चाहिए वीडियो में, कल वीडियो डल जाएगी शाम को 6 बजे। ओके भैया, ओके बाय युवराज भैया। तो भाई यहाँ निकल चुके हमारे युवराज भी अपने घर की तरफ और सारे रिव्यू हमने ले लिए हैं, जो भी था सारा हमेशा की तरह दिखा दिया और काम भाई टोटली हमेशा की तरह भाई बढ़िया ही होता है, ठीक है। तो भाई ये हो चुका है कंप्लीट और वीडियो करते हैं एंड, और मिलते हैं आपसे एक दोबारा एक नई वीडियो में। जब तक लाइक करना हमारी वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना बजट के लिए और सब्सक्राइब कर ले चैनल के लिए ताकि नई नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।